एम्फेसिस, इसमें भी हो रही है अच्छी खरीदारी। किरण जी, एम्फेसिस पर कोई राय सर? 3% ऊपर काउंटर आते हुए दिख रहा है, 2000 से ज्यादा दूर नहीं है। एम्फेसिस में भी है सर, सारे आईटी काउंटर्स वैसे भी दीप बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। एम्फेसिस में भी एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए इधर भी। थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा 1945 में। कैश लेवल्स के आज बात करूंगा क्योंकि कई लोग नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, तो 1945 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 2020-2025 ये आज के लिए टारगेट रहेंगे। और दीप, मेरे लिए भी बिगुल बजवाइए, एक काउंटर है जहाँ पे अभी अभी ब्रेकआउट मिला है। बिगुल बिगुल तैयार है सर आपके लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, ये स्टॉक डिस्कस हो चुका है, कोफोर्ज, ये भी आईटी काउंटर है, मिडकैप आईटी काउंटर, जहाँ पे मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। कल से एक बहुत अच्छी मूव दे रहा था और ये अभी पिछला स्विंग है, इसको भी क्रॉस करता नजर आ रहा है, तो अभी 35-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 35-20 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 3590-3600 के टारगेट्स आज के ट्रेडिंग जोन में देखने को मिल जाने चाहिए। बनती हुई दिख रही है सुमित जी, सिंजीन यहाँ पर खबरों का भी असर है, अब ये भी एक वैक्सीन प्ले बनने की तैयारी में है, 5% ऊपर आज 600 के ऊपर, क्या राय देंगे सिंजीन पे? स्ट्रॉन्ग काउंटर है दीपांशु और आज एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 600 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो स्टॉक के अंदर मूव और ऊपर का देखने को मिलेगा, जिसमें 620 से लेके 640 तक का मूव सिंजीन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें और कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए सिंजीन इंटरनेशनल, आज बड़ी दौड़ लगा रहा हुआ, 5% की दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक में, यहाँ पर एक्शन है भरपूर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे का। बताएं कुशल, कौन सा स्टॉक है जिसके आने वाले हैं दमदार रिजल्ट्स? बिल्कुल, कल इसके नतीजे आएंगे अनिल जी, और इप्का लैब जो स्टॉक का नाम है और दमदार नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस में आ रहे हैं। इनफैक्ट इसका जब मैं ओवरऑल प्रीव्यू बना रहा था तो जिस तरह से नंबर्स इसके कल आने वाले हैं वहां पर फोकस रखे, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपोर्ट एपीआई कारोबार है वहां पर करीब 10% से ज्यादा की ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप एक्सपोर्ट फ्रंट पे तो बेहतरीन प्रदर्शन होगा ही, पर घरेलू फ्रंट पर भी कंपनी दमदार आंकड़े पेश कर सकती है। इनफैक्ट इनका जो घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार है उसमें इंडस्ट्री से 10% से ज्यादा का जो है आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ जो है आपको घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार में भी देखने को मिल सकता है। तो अब डिटेल्स में जब नंबर्स आएंगे तो वहां पर हम देखना होगा, पर अभी अगर आप कंसाइसली नंबर्स को क्रंच करेंगे और जो एक्सपेक्टेशन बन रही है उसमें आय आप देखिए करीब 20% बढ़कर 1290 करोड़, यानी कि लगभग 1300 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में और ज्यादा उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, करीब 75% का और 295 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी कंपनी दर्ज कर सकती है। इसका इंपैक्ट कहां होगा? मार्जिन्स पर। मार्जिन्स लगभग 7% की ग्रोथ के साथ 23% पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 140% की ग्रोथ के साथ 207 करोड़ पर आता हुआ दिख सकता है। तो हर एक पैरामीटर्स पर कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन होने का अनुमान है, क्योंकि दोनों घरेलू फ्रंट पर और साथ ही एक्सपोर्ट्स कारोबार के जो अर्निंग्स हैं वो दमदार रह सकते हैं। का लैब्स यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं दमदार, कल आएंगे रिजल्ट्स, और रिजल्ट से पहले क्या कुछ और मौका है खरीदारी का? पालिया साहब जरा देखिए इसके 400 दीजिए अपनी राय। जी बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का सेटअप अगर हम देखें, ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें, तो स्टॉक एक अपर ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल ये बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है। कोई भी डिप मिलती है तो इसको बाय करते हुए चलना चाहिए। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक बेस बना स्टॉक का करीब 1800-1900 की रेंज में, और अब स्टॉक में वापस से स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही नियर टर्म चार्ट में, तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो बिल्कुल बाय रखना चाहिए। 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें जो लगता है ऊपर के जो टारगेट आना चाहिए वो करीब पहला टारगेट आना चाहिए 2340 के आसपास। वो रेंज क्रॉस करते से स्टॉक वापस से इसका जो अप ट्रेंड था लॉन्ग टर्म का वो रिज्यूम करते हुए दिखेगा। फिर इसमें आगे आने वाले दिनों में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 2500 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। वेलकॉर्प के ऊपर, वेलकॉर्प कभी करीब अभी 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। वेल्सपन कॉर्पोरेशन 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। इसके टारगेट्स ऊपर में जो बन रहे हैं अनिल जी, दैट कम्स टू अराउंड 164, पोजिशनल बेसिस पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 141 का।
सो लगभग 15-20 रुपए का टारगेट ऊपर की तरफ बन रहा है अनिल जी, 7 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे और मोमेंटम में फ्रेश बाय क्रॉसओवर यहाँ पे देखने मिल रहा है। खास बात ये भी है स्टॉक में कि एक बहुत ही अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है एक्जैक्टली अपनी 50 डेमा के ऊपर, 50 डेमा का एक अच्छा सपोर्ट लिया है और वो उसके ऊपर जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से ब्रेकआउट देगा ये स्टॉक, लगभग हमें 164 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। यस यस बिल्कुल अनिल जी, कुछ तो तकनीकी दिक्कत मेरी तरफ से भी आ रही थी यहाँ पे इश्यूज थे नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर, और बाकी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बधाई हो आपको, और मुझे कुणाल जी वाली वो चीज बहुत अच्छी लगी 56 और 58 इंच वाली, और वाकई में देखिए 58 रुपए का डिविडेंड और आपका कन्विक्शन, हैट्स ऑफ टू यू अनिल जी, गजब था। एंड उसकी वजह से हमने भी हमारे क्लाइंटों को खूब पुट राइटिंग करवाई थी बीपीएसएल, और अभी बोलूंगा कि पुट राइटिंग के जरिए जबरदस्त स्ट्रेटजी बना। नहीं जैन साहब, अगर मुझे पहले पता होता कि जितना रुपए का डिविडेंड है उस हिसाब से मेरी छाती का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कुणाल जी, तो कसम से मैं आपको मतलब 80-100 रुपए का डिविडेंड करवाता था, जोर लगा लगोगे सारा के मतलब जितना है सारा बीबीसी से एक साथ करा। आप पहले बताएं सर कौन सा स्टॉक है आपका? और जय को भी थैंक यू, वेल्सपन को आप, मैंने भी अभी लास्ट वीक इसको दिया था फॉर जैन साहब के जेम्स, जबरदस्त लगता है, मतलब ऐसा कन्विक्शन है कि स्टॉक रुक नहीं सकता, चलना ही पड़ेगा, बस यही बात है, और हालांकि धीरे धीरे चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मेरा स्टॉक जो है वो शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है। सबसे बढ़िया बात अभी इसका स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, मैं इनफैक्ट जब 2200-2300 रुपए के लगभग था स्टॉक तब से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद एक स्टॉक स्प्लिट हो गया, कुछ मैं देख रहा था कि रिजल्ट से हमें भी इंतजार कर रहा था, हालांकि दिसंबर तक का तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है और मार्च क्वार्टर का नहीं आया। अनलॉक थीम है ऑटो एंसिलरी रिजल्ट्स, देखिए कल भी गैब्रियल और ये सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने काफी स्टॉक्स अभी इन दिनों में दिए हैं और रिजल्ट बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स में, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और मेरे हिसाब से ये 450-460 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए। ओके तो जैन साहब जरा रुकिएगा, आप 450-460 के टारगेट तो ठीक है, जो क्रिएटिविटी की बात की उसके ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूँ थोड़ा। स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 142.50 रुपए, 142.70 रुपए। स्टॉक का नाम है FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका सिंबल है FSL। FSL के अंदर ब्रेकआउट है, मेरे को लग रहा है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से FSL के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 150 का पहला टारगेट होगा और 150 का लेवल निकलने के बाद 155 रुपए तक का मूव FSL के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, 137 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 150 से 155 के टारगेट्स के लिए 2 से 3 दिन का ये व्यू होगा FSL के अंदर। ओके तो ये है आपके लिए इस वक्त फर्स्ट सोर्स पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। सुमित जी की तरफ से टारगेट है इस वक्त सुमित जी के 150। सुमित जी स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं या बताना नहीं चाहते? मेरे को लगता है मिस हो गया, 137 का स्टॉप लॉस और 150 से 155 का टारगेट। ओके 150 से 155 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए राय। और इस बीच दीप एक और स्टॉक है।